आपके घर का नमक बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके पास हमेशा पैसा आए, इसलिए उन कमियों को दूर करने के उपाय भी आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आज बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी में बस ये छोटा सा बदलाव कर दीजिए और चमत्कार देखिए, गारंटेड आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने लगेगी। मैं बहुत से ऐसे घरों में देखती हूँ जहाँ नमक प्लास्टिक के जार में रखा होता है। चलिए वो तो एक उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसे वो चाहें तो बदल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि नमक जो है मसालदानी के भीतर ही रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि नमक कभी भी मसालदानी में अन्य सामग्रियों के साथ में नहीं रखना चाहिए, नमक हमेशा अलग रखना चाहिए। प्लास्टिक की मसालदानी तो भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील की या किसी और पीतल की अगर आप रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार पीतल की मसालदानी घर में रख के देखिए, आप देखना कितना ज़बरदस्त आपके घर में धन का आगमन होने लगता है। क्योंकि चांदी की मसालदानी तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन पीतल की मसालदानी तो आप रख ही सकते हैं ना। भूलकर भी लोहे की मसालदानी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रही हूँ जो नमक से संबंधित है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इस कंडीशन में रखा है, अदरवाइज़ मेरे घर में इस तरह से नमक नहीं रहता है। मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ तो ये कि आप अगर अपने घर की अपनी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो सेंधा नमक आज से अभी से खाना चालू कर दीजिए। सेंधा नमक में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद तत्व होते हैं। ये आप न केवल आपके बीपी को सही रखता है बल्कि आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। ये वो काम करता है जो सादा नमक नहीं कर पाता है। नमक आप कांच के जार में रखना चालू कर दीजिए, और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस कंडीशन में छोड़ा है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नमक का जो जार होता है कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, इसमें और मसालों के निशान नहीं होने चाहिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से प्रिपेयर किया है इसको, और इमीडिएट मेरे अभी धुल जाएगा, ये धो दूँगी मैं इसको। तो नमक जो है ट्रांसपेरेंट जार में रखें, नमक दिखता हुआ रहना चाहिए। दूसरी चीज़, कांच का जार लीजिए। इसके अलावा नमक अगर आप लेते हैं, जैसे वो चीनी मिट्टी का जो अचार वाला बर्तन मर्तबान होता है ना, उसमें भी आप नमक रख सकते हो। नमक हमारे जो पूर्वज थे अलग ही रखते आए हैं, तो नमक कभी भी मसालदानी के साथ कॉमन ना रखें। और मसालदानी एक बार मेरे कहने पे आप पीतल की मसालदानी घर में लाकर देखें, बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेगा। प्लास्टिक की मसालदानी को तुरंत ही रसोई से हटा दीजिए, ये बहुत ही नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाली होती है और गरीबी को बढ़ाने वाली होती है। और उसमें आप अन्य मसालों के साथ में जो नमक रख कर भूल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। नमक को आप कभी भी गीला ना होने दें, नमक में कभी भी डली नहीं हो, नमक कभी भी हाथ से नहीं निकालना चाहिए, नमक हमेशा स्पून का प्रयोग करते हुए ही निकालना चाहिए। इसके अलावा नमक का ये जो ढक्कन है इसका भी पूरा ध्यान रखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ही चमकता होना चाहिए। जिस घर में नमक चमकता हुआ रहता है बिल्कुल साफ़ सुथरा बिना मॉइश का, और उस घर में इतना पैसा आता है कि आप चमत्कृत रह जाओगे। तो अगर आपके घर में भी नमक संबंधी ये गलती होती है तो इसे आप तुरंत दूर करें। नमक रसोई में इस तरह से ना रखें कि वो आपके चरणों की तरफ हो, मतलब आपका जो नीचे का पार्ट है, कमर से नीचे का हिस्सा जहाँ पर आता है उस डायरेक्शन में नमक नहीं होना चाहिए। आपकी कमर से ऊपर के हिस्से जहाँ पर आते हैं शरीर में, शरीर के जब आप रसोई में स्लैब के पास में खड़े होकर काम करते हैं, तो नमक हमेशा आपसे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका जो हृदय चक्र है उसकी सीध में अगर नमक होता है तो ऐसे घर में अथा पैसा आता है। तो आज मैंने आपको बताया, नमक रखने के इस तरीके को अगर आप बदल देंगे तो सारे सुख ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे आएंगे।